नमस्कार मित्रों आज बात करेंगे काला पानी के बारे में काला पानी को भारतीय सेना नहीं छोड़ेगी इसके पीछे क्या कारण है ये हम आपको बताएंगे मित्रों थोड़ा ठंडा ज़्यादा है इसलिए रजाई के अंदर बैठ के वीडियो बन रही है तो मित्रों जो काला पानी विवाद है लिपुलेख का विवाद है ये एक दुर्गम क्षेत्र था और ये विवाद 1816 से ही है ये दुर्गम क्षेत्र था इसलिए यहाँ पे सीमा का बंटवारा भारत और नेपाल के बीच नहीं हो पाया यहाँ पे भारत रिज लाइन को मानता है और नेपाल नदी के पार वाली जमीन भारत की और नदी के अपने साइड वाली ज़मीन नेपाल की ये मानता है इसलिए इस भूमि पे विवाद है लेकिन मैंने अपनी तरफ से मैप में देखा तो जो चीज़ क्लियर है वो बोलना पड़ा अपने देश का अपने देश की साइड से भी नहीं नक्शे पे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो भूमि नेपाल के हिस्से में आनी चाहिए थी लेकिन वो विवाद है और कभी न कभी विवाद सुलझ जाएगा हमें सच्चाई बतानी है झूठ नहीं बोलना है और पक्षपात भी नहीं करना है जो बात सही है वो बतानी है भले ही मैं भारतीय हूँ भारत यदि गलती करेगा तो वो भी हम बताएंगे नेपाल गलती करता है वो भी बताएंगे तो मित्रों अभी यहाँ पे भारतीय इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का कैंप यहाँ पे है एक बात आप जान लीजिए विश्वेश्वर प्रसाद कोयराला यदि उन्नीस में नेपाल के पीएम होते बीपी पी कोयराला तो काला पानी में भारतीय सेना कभी नहीं आती उन्नीस में जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच हल्की फुल्की झड़पें हो रही थी तो बी पी कोयराला ने क्या किया कि न तो चीन का पक्ष लिया और न भारत का पक्ष लिया इसलिए उनको पी के पद से हटा दिया गया उस समय नेपाल जो है भारत के कहने पर चलता था तो यहाँ पे भारतीय सेना कैसे आ गई ये बात आप थोड़ा समझिए उन्नीस में क्या हुआ कि माओसो तुंग भारत आए थे चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत आए उन्होंने कहा भारत चीन भाई भाई और जवाहरलाल नेहरू को कहा कि तिब्बत की आज़ादी का समर्थन ना करें जवाहरलाल नेहरू नहीं माने तो माओ तुंग वापस चले गए और उसके तुरंत बाद एक झटके में चाइना की सेना ने भारत की सेना पे हमला कर दिया चाइना एक झटके में अस्सी हज़ार आर्मी ले आया और भारत की बारह हज़ार आर्मी पे उसने हमला कर दिया अरुणाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक ठीक है अक्साई चीन भी शामिल है उसमें मतलब पूरे हिमालय क्षेत्र में भारत की केवल उस समय बारह हज़ार ही सेना थी अर्धसैनिक बल जिसको कहा जाता है वो पूरी आर्मी भी नहीं कह सकते हैं वो थी और चाइना अपनी अस्सी हज़ार आर्मी लेके एक झटके में हमला कर दिया जिससे भारत को संभलने का मौका नहीं मिला तो इस लड़ाई में क्या हुआ कि चाइना के लगभग सात सैनिक मरे और भारत के तेरह सैनिक मरे सोलह सैनिक घायल हो गए भारत के चाइना ने आसाम तक कब्जा कर लिया उत्तराखंड में भी घुस गया चाइना लेकिन जैसे ही भारतीय सेना आई वो पहले भारत की जो थी वो बारह हज़ार अर्धसैनिक बल था आर्मी नहीं थी लेकिन भारतीय सेना जब बॉर्डर की तरफ गई तो चाइना की सेना फिर पीछे भट पीछे हट गई क्योंकि बड़े स्तर के युद्ध के पक्ष में चाइना भी नहीं था चाइना भी नहीं चाहता था कि बड़े स्तर का युद्ध भारत के साथ में हो और उस समय क्या था कि अमेरिका और रूस सोवियत संघ और रूस क्यूबाई मिसाइल संकट में उलझे हुए थे उनका भी युद्ध होने के पूरे चांस थे इसलिए इस लड़ाई में उन दोनों ने किसी ने दखल अंदाजी नहीं की चाइना ने वो हमला इसलिए किया था कि भारत कहीं भारत तिब्बत की आज़ादी का समर्थन ना करे इसलिए चाइना ने भारत पे हमला किया था तो और क्षेत्रों से जैसे अरुणाचल आसाम से या उत्तराखंड से जो चिनाली सौड़ के उत्तरकाशी वाले एरिया हैं वहाँ से तो भारतीय सेना लड़ रही थी अर्धसैनिक बल जो है लेकिन यहाँ से लिपुलेक के लिपुलेक पे भारतीय सेना आ गई रिटर्न हो गई पीछे से ठीक है अब नेपाली लोग तो कहते हैं नेपाल के जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं कि भारतीय सेना पीठ दिखा के भाग गई देखिए उसमें उस समय भारतीय सेना नहीं थी अर्धसैनिक बल था और वो वहाँ से वापस आए क्योंकि उनके पास ना हथियार थे न उनकी संख्या कोई ज़्यादा थी बहुत कम में थी और वापस आएंगे तो उसमें नेपाल की भी बेजती है क्योंकि उसमें गोरखा सैनिक भी थे और खस आर्य जो कि नेपाल और उत्तराखंड में पाए जाते वो लोग भी थे तो बेजती तो दोनों देश की हुई ना उसमें तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं नेपाल में इस बात पर हंसा जाता है कि भारतीय सेना पीठ दिखा के वहाँ से भाग गई ठीक है और काला पानी में आ गई तो भारतीय सेना वापस आई उसमें नेपाल की भी बेजती है और भारत की भी बेजती है भले वो किस कारण से आई ये बात अलग है तो नेपाल को इस चीज़ पे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें नेपाली सैनिक भी हैं ठीक है तो इधर जब भारतीय सेना पहुंची तो वो एरिया पड़ गया पूरा ऊंचाई का फिर चाइना की सेना वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि यहाँ पे भारत ऊंचे एरिया में पड़ गया और चाइना नीचे वाले एरिया में चाइना पड़ गया इसलिए चाइना यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया यदि आगे बढ़ता भी तो चाइना यहाँ पर जीत नहीं पाता तो आज क्या कंडीशन है कि उस एरिए में भारत उस एरिए में इसलिए बैठा है चाइना पे दबाव बनाने के लिए क्योंकि लिपो काला पानी यहाँ से यदि चाइना भारत से लड़ता है तो चाइना यहाँ से नहीं जीत सकता है भारत से भारत ने ये पॉइंट चाइना पे दबाव बनाने के लिए अपनी सेना इस पॉइंट पे रखी हुई है चाइना यदि किसी दूसरी जगह से भीतर घुसता है भारत के तो भारत ये काला पानी से लिपू से होते हुए चाइना में घुस सकता है ठीक है यहाँ पे चाइना भारत से नहीं जीत सकता है इसलिए भारत काला पानी से नहीं हट सकता है यदि भारत काला पानी से हट जाता है तो भविष्य में यदि कभी चीन और भारत के बीच में कोई वार होती है तो चाइना इस क्षेत्र से भारत में घुस जाएगा यह निश्चित है ठीक है इसलिए भारत फिलहाल तो काला पानी और लिपुलेक नहीं छोड़ सकता है उसके चांस नहीं है क्योंकि इसके पीछे 125 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है ये मने भारत की एक मजबूरी है कि इस जगह को नहीं छोड़ सकता है नेपाल में खूब शोर होता है कि काला पानी को भारतीय सेना खाली करे लेकिन भारत मजबूर है काला पानी को भारत खाली नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ से फिर चीन युद्ध के समय में यहाँ से चीन भारत में घुस सकता है ठीक है 125 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है इसलिए फिलहाल भारत के इस जगह को छोड़ने के कोई चांस नहीं है चाहे विवाद हो चाहे वो जगह नेपाल की हो या भारत की हो लेकिन भारत उस जगह को अभी तो नहीं छोड़ सकता है और आप लोग हल्ला करते हैं कि काला पानी खाली करो ठीक है तो भारत की मजबूरी भी समझ नहीं पड़ी ना कि एक करोड़ लोग हैं ये मजबूरी समझनी पड़ी आप लोगों को इसलिए अभी कोई चांस नहीं है कि भारत काला पानी को खाली कर दे